वेलकम बैक टू अनदर एपिक वीडियो। सो आज की वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था, बस ये मेरा सोची भी नहीं थी। लेकिन अभी सीन ये हुआ कि मेरी हाला का फ़ोन आ गया कि आपके कल आना है, कल की दावत मिल गई बेसिकली कि बिस्मिल्लाह में जाना है। तो मैंने कहा यार इसके लिए कुछ मास्क वगैरह लगाना था, तो मैंने कहा ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो एक्नी ऑयलिंग सब कुछ होता है ना, ये बेसिक प्रॉब्लम है। और ये मास्क लड़का और लड़की कोई भी लगा सकता है, उससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जाती है। और ये मेरा बेस्ट, मेरा फेवरेट मास्क है अभी का, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस एवरीवन, तो हमें मास्क बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए योगर्ट, टर्मिक पाउडर और हाफ लेमन। और जो मैंने योगर्ट लिया है यानी कि दही, वो मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून। और टर्मिक लिए है मैंने यानी कि हल्दी 1/4 यानी कि 2 पिंच। और हाफ लेमन तो लेना ही है। अच्छा, जो योगर्ट होता है हमारा दही, उसके अंदर जो है ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को जो है ना ब्राइट करती हैं, ग्लो लाती हैं उसमें, और दूसरी चीज़ के यूवी रेज से हमें बचाती हैं। और जो है ना जो हमारे टोन, बेसिकली टोनिंग जो होती है ना, डिसकलरेशन जो हो जाती है कि कहीं से आप ब्लैक ज़्यादा काले हो जाते हो, कहीं से ओरिजिनल, उस चीज़ को दूर करता है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एक्नी से फाइट करता है, जो गर्मी दाने भी मुंह पे निकल आते हैं ना उसको भी, और कूल कर रखता है आपके फेस को। तो हमें दही लगाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तो अगर हम खाएंगे तो ये वैसे ही आप जो है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आप वैसे ही ग्लो करोगे, ठीक है? तो ये खाना भी चाहिए। अच्छा, टर्मिक पाउडर में क्या होता है? टर्मिक पाउडर भी बेसिकली मॉइस्चराइज करता है फेस पे, और जो है बेसिकली पोर्स को खोलता है, अपनी गंदगी खींचता है, तो ये इसका काम भी होता है। और लेमन तो आपको पता ही है एंटी बैक्टीरियल होता है, जो आपके फेस पे गंदगी होती है, जर्म्स वगैरह, तो उनसे फाइट करता है और आपको नेचुरली ग्रो देता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, और तीनों चीज़ें अगर आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा लगाओगे ना, तो आपको वाजे फ़र्क पता चलेगा। और मैं इसको सैटरडे लगाती हूँ, मतलब एक दफ़ा ही लगाती हूँ, और आप इसको देख सकते हो। आप इसको क्या करना है, हम इसमें सब चीज़ें डाल लेते हैं, ठीक है? योगर्ट तो मैंने ले लिया था, लेमन में से थोड़ा सा मैं लेमन, देखो हाफ लेमन जूस है ना, 1 चम्मच के करीब आप जो है ना इसमें जूस ऐड करना, कि अगर तुम्हें लगे कि बड़ा है तो ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया है, और इसमें मैं सारा ये पाउडर मैंने निकाल के रखा था 2 पिंच, तो ये मैंने डाल देना है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये जब तक टर्मिक पाउडर सही से मिक्स ना हो जाओ तब तक इसको मिक्स, और हमें इसको इतना मिक्स करना है कि टर्मिक पाउडर जो है ना, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए, इसके जो पार्टिकल्स हैं इतना मिक्स करना है। और फिर बनाना है, ना ये गाढ़ा हो ना ही ये पतला हो, मीडियम हो। अब ऐसे ये मीडियम स्टेज पर है, इस पर हमें छोड़ देना है इसको, और इसको हम अप्लाई करेंगे अब। हाँ, तो अब बारी है लगाने की इसको। तो इसको हमें लगाना कैसे है वो मैंने बताती हूँ। मेरे बाल मैंने बांध लिए हैं, तो इस पेस्ट को हम लगाएंगे हाथों से, सही है? अच्छा, अब हम जो है ना इस तरह से लगाएंगे, इसको लगाना है फेस पे और मसाज करनी है। बेसिकली हमें क्लॉकवाइज उंगलियों घुमानी है, और इसको मसाज करते हुए हमने सारा लगाना है, तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। और इस तरह से मतलब मसाज करते हुए लगाना है। उसके बाद 2 मिनट आपको रुकना है जबकि सूख जाएगा, उसके बाद एक और लेयर लगानी है, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमने इसको धोना है 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको मसाज करेंगे, थोड़ा सा इसको रब करेंगे, तो ये झड़ने से लगेगा। तो फिर हमने इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, रूम टेम्परेचर से कहते हैं, उससे हमने धो लेना है। और फिर हम फौरन धोने के बाद हमने ठंडे पानी से एक कपा मसमून होना है, तो उससे जो पोर्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे, तो आप रहोगे और इससे कलर महसूस होता है। तो हम इसको लगा लेते हैं। मुझे सीरियसली ठीक है, मैं इसको लगाने के बाद मिलती हूँ।
तो ये मैंने लगा लिया है, फर्स्ट लेयर मैंने लगा ली है और मसाज करते हुए लगाना है, फिर से कह रही हूँ तो। और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो, और ये सब टपक रहा है मेरे हाथों पे। सो लिक, तो हमने इसको मसाज करते में लगाना है, मत भूलना इस बात को। 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। मैं 2 मिनट के बाद आ गई हूँ, ये सूख गया है। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे, और सेकेंड लेयर अप्लाई इस तरह से करेंगे कि पोत देना है, वही यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। हाँ, तो हम इस तरह से कर देंगे बस। अरे यार, स्पून आ गया बीच में। ठीक है, इस मेरी आईज में चला गया, शिट। तो हमने इस तरह से बस करना है, इस तरह से। ठीक है, अगर ये लगा के इसी के सामने खड़े हो जाओगे ना, ऐसा लगेगा फ्रीजर में आ गए। तो अभी मैंने यही किया है, 2 मिनट करने के लिए टाइम लग रहा था ना। इस तरह से मैंने इसको लगाना है, और देन क्लॉक वाइज मसाज कर लेनी है, और नेक वगैरह पे भी लगा लेना, वरना मुंह गोरा हो जाएगा और नेक अजीब लग रही होगी। सो बस ये हो गया। आप हाथ पे भी लगा सकते हो, पाँव पे लगा सकते हो, चाहो तो पूरी बॉडी पे लगा लो, एज योर विश। अच्छा, दूसरी, अच्छा अब बाकी चीज़ ये कि अब हम इसको 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये आराम से सूख जाएगा। सूखने के बाद हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से धो लेना है, और फिर ठंडे पानी से धोने के बाद, ठंडे पानी से धो लेना, और उसके बाद एक छपाका मार लेना ताकि पोर्स लॉक हो जाए हमारे। उसके बाद हमने थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेना अगर ड्राई हो रही हो स्किन, वरना तो वैसे तो ये सब स्किन के लिए है, तो कोई है नहीं। और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसको वॉश करने के बाद मिलती हूँ अब। सो मैं मुंह धोकर आ गई हूँ, एंड आप लोग मेरा फेस का रिजल्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग एंड ग्लो आपको दिख रही होगी, और मेरे हाथ की भी। सो ये वाकई बहुत अच्छा है, अगर आपको आप हफ्ते में एक दफ़ा लगाओगे तो वाकई फ़र्क पड़ेगा। सो जो स्कूल गोएंगे, जो यूनिवर्सिटी गोएंगे, और जो ऑफिस गोएंगे वो लगाए, धूप में जाते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। सो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो जो मैं बताना भूल गई हूँ तो पूछ सकते हो। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टी टी स्क्वाड आउट।